जी राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो जी आज ना मंगलवार है, तो जय श्री राम भी सभी को। रात को ही ना मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सुबह सफ़ेद वाले छोले बनाऊंगी। देखो रात को ही डिसाइड करना पड़ता है, नहीं तो सुबह सोचने में 1 घंटा लगता है कि आज बनाएं क्या। तो बस सबसे पहले जब उठती हूँ तो कुछ बॉयल करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो मैं बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पे मैं बेड़मी पूरी और आलू की सब्जी बनाऊँगी आज बच्चों के लिए स्कूल लंच की टिफ़िन में। तो बस उसी की तैयारी चल रही थी, और ये भी मैंने रात को ही सोच लिया था। देखो मैं क्या करने वाली थी ना, मैंने गेहूं का आटा छाना ना, फिर जो मोटा आटा होता है यानी कि बेड़मी पूरी का, उसको भी मैं छानने लगी। फिर मुझे याद आया कि उसको छानते नहीं है, ऐसे ही डाल देते, क्योंकि वो छनेगा ही नहीं, वो काफ़ी मोटा आटा होता है। तो मैंने गेहूं का आटा इसलिए मिलाया कि ताकि ये जो आटा है वो जल्दी फर्मेंट हो जाए और जो पूरियाँ है ना वो सॉफ्ट सॉफ्ट बने। यानी कि जो ये वाला आटा होता है ना, इसको काफ़ी टाइम लगता है फर्मेंट होने में, सेट होने में यानी कि। तो इसलिए मैं पहले ही आटा गूंद के चली गई थी, फिर दोनों बच्चों को रेडी किया, इतने में आटा जो था ना वो सेट हो गया था। उसके बाद मैंने गर्मा गर्म पूरियाँ बना दी थी, और पूरी थोड़ी तेज़ आँच पे बन गई थी बट अच्छी बनी थी। सब्जी और पूरी का जो टेस्ट होता है ना ये वाली, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लंच बॉक्स लगा मुझे ये वाला। अब मैं इजीली बना दिया करूँगी दोनों बच्चों के लिए, और ये काफ़ी टेस्टी लगता है। चलिए यहाँ पे दोनों बच्चों का लंच बॉक्स रेडी कर दिया। राधे राधे। तो जी बस यहाँ पर बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, और पीहू के पापा इनको स्कूल छोड़ भी आए थे। आज तो ना बहुत ज़्यादा वाला काम है, मैं आपको कैसे बताऊं। यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर जो रात के 12 बजे तक मुझे एक भी टाइम फुर्सत नहीं मिली है। तो ये सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक पूरे दिन का व्लॉग आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कल जब मैं कपड़े उतार के लाई ना, तो वो मैंने तय ही नहीं लगाए, काम ही काम इतना हो रहा था। फिर जब व्लॉग मैंने ख़त्म कर दिया था, उसके बाद मैंने कपड़े तय लगाए। और व्लॉग ख़त्म करने के बाद भी ना हज़ारों काम होते हैं मुझे, जो मैं फिर व्लॉग लॉन्ग हो जाता है इसलिए नहीं बना पाती। तो बस यार रात को कपड़े फोल्ड कर दिए थे, तैन मैंने लगाए नहीं थे अलमीरा में। उसके बाद मैंने सारे कपड़े एडजस्ट कर दिए अलमारी में, अच्छे से लगा दिए थे, और कर दी थी छिटमुट वाली साफ़ सफ़ाई। फिर मेरा पोछा पोछा रह गया था, वो मैंने नाश्ता करने के बाद लगाया। मैंने बच्चों को आलू की सब्ज़ी और बेड़मी पूरी दी ना, तब से मेरा मन कर रहा था और मुझे भूख भी लग रही थी। और पीयू के पापा ने भी आते ही बोल दिया, मेरे मन की बात बोल दी कि ऐसा कर नाश्ता कर लेते हैं, मुझे भी भूख लग रही है। स्टार्ट कर दी थी मैंने पूरियाँ बनानी, और फिर पीयू के पापा ने बोला कि ना तू कट्ठी बना ले, हम दोनों कट्ठे ही खाएँगे। और यहाँ पर चाय भी बन गई थी, सुबह सुबह चाय पीने का तो मज़ा ही अलग है, और साथ में मिल जाए घर की आलू की सब्ज़ी और बेड़मी पूरी तो मज़ा ही आ जाए। वैसे ये वाला ब्रेकफास्ट कौन कौन किस किस को पता है और किस किस ने खाया है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखो आप लोगों के चक्कर में ना गरम गरम पूरी तोड़ने लगी, और हाथ मेरा थोड़ा सा जल गया था। ओ माई गॉड, आज तो ये देखो मेरे साथ हुआ क्या है। तो देखो यार मतलब बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई। मतलब अगर ये कांच, वैसे तो लगा है मेरे थोड़ा सा, लेकिन मेरे बच गई मैं, काफ़ी ज़्यादा बच गई, पूरा मेरे ऊपर गिर जाता ना। वैसे गिर ही गया है लेकिन मैं बच गई, पता नहीं लड्डू गोपाल जी की वजह से, भगवान जी की वजह से बच गई। मैं कह रही हूँ चकना चूर हो गया था ये कांच, समझ नहीं आया कैसे हो गया। बस मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी तो मैंने सोचा, और लकली मतलब मैंने अभी अभी वीडियो ऑन करी ही थी, मैंने कहा चलो ये वाला पार्ट भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि नाश्ता करने के बाद ना मैं साफ़ सफ़ाई करने चली, तो मुझे फ्रिज में मैं कुछ सामान रख रही थी, तो ये वाला जो शीशा था ना इस पर सब्जी लग गई थी। तो मैंने कहा चलो इसको निकाल के मैं धो देती हूँ भाई, साफ़ कर देती हूँ, और देखो ये हो गया। मैंने कहा चलो, और मैं कह रही हूँ मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था वीडियो बनाने का, और देखो अच्छा हुआ बना ली मैंने, और कितनी बुरी तरह टूटा है ना, मैं तो घबरा गई थी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ना मैंने पहले कांच साफ़ करा, फिर दोबारा कांच साफ़ करा, कांच ही कांच, पता नहीं कहाँ कहाँ अब ऐसा है ना टूट के एकदम गिरा, इधर उधर हर जगह कांच ही कांच हो रहा था। और 4 से 5 बार मैंने उठाए कांच के टुकड़े, फिर भी मैंने
छठी सातवीं बार भी झाड़ू लगाई तब भी कांच के टुकड़े निकल ही रहते, तो मुझे बड़ी टेंशन हो गई है। चलिए ये देखिए फ्रिज का क्या हाल का हुआ है। तो ये फर्स्ट वाला है ना, ऐसा था वो, यानी कि फर्स्ट सेकंड जो यहाँ पे थर्ड पे लगता है ना, ये वाला टूट गया। अब पता नहीं ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। और फ्रिज वैसे ही बताओ गर्मियों में रखने का सामान नहीं होता, ये और टूट गया मेरी जान को। चलिए कोई नहीं, चलिए क्या कर सकते हैं, जो होना है वो होना है, वो होके ही रहता है। अच्छा छोले है ना, छोले मैंने बना दिए थे और कई बार आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करी है, इसलिए छोले की रेसिपी तो आज मैंने शेयर नहीं करी है ना, बनाते हुए दिखाया है। हाँ मैंने ना मैदा लगा रही थी, और मैदा यानी कि भटूरे का मैदा लगा रही थी, तो थोड़ा सा मैंने आटा लिया था और थोड़ा सा ही आधा आटा आधा मैदा लिया था, साथ में मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया था और नमक डाल दिया था। और काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से आप आटा गूंदोगे ना तो अच्छा गूंदता है, मतलब ऐसे भटूरे के आटा कैसे भी गूंद लो अच्छा ही गूंदता है। साथ में दही डाल लो, दूध डाल लो, इनो डाल लो, बेकिंग पाउडर ना हो ना हो कुछ भी हो ना तो सोडा भी डाल सकते हो, पानी वाला सोडा, जो पीने वाला सोडा आता है ना वो। चलिए यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको कि छोले बना के रेडी कर दिए, और यहाँ पे उसके बाद मैंने वीडियो की एडिटिंग वगैरह करी, फिर बच्चे स्कूल से आ गए थे और बच्चे काफ़ी खुश थे आज, क्योंकि जैसे ही मैंने बताया ना छोले भटूरे बनाए काफ़ी खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे नहा धो के मैं वही लेट गई थी, और थोड़ा रेस्ट भी तो देखो ज़रूरी है, और वीडियो की भी मैंने काफ़ी एडिटिंग करी थी क्योंकि यही टाइम मिलता है। देखो इसके बाद अभी काम में लग गई, अब तीन ऐसे ही बज जाएंगे, तीन बज जाते हैं मुझे यहाँ पे नाश्ता बनाते बनाते, सॉरी दोपहर का लंच बनाते बनाते, और बर्तन वगैरह मतलब किचन वगैरह क्लीन करके। देखो यही बता रही थी कि थोड़ी देर लेट गई थी, सो तो नहीं पाती हूँ मैं, हाँ लेट गई थी। उसके बाद तीन, हाँ मैं ये बता रही थी कि तीन बज जाते, तीन बजने के बाद यार थोड़ा सा मैं लेट जाती हूँ, लेकिन आज मैं लेटूंगी भी नहीं क्योंकि मैं तैयार हूँ, आपने देखा ही होगा। और हम जाएंगे मार्केट, और आज मंगलवार भी है तो हनुमान जी के मंदिर भी जाएंगे। पूरा व्लॉग ज़रूर देखना क्योंकि कल है पीहू का बर्थडे, तो उसी की सारी तैयारियाँ हम लोग करेंगे, और पूरा व्लॉग देखना जब भी आपको पता चलेगा। यार छीट सी आ जाती है ना तो मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ, तो गर्मा गर्म भटूरे बनकर तैयार होने वाले हैं। किस किस को पसंद है यार छोले भटूरे, मेरे को तो ना मैं सच बताऊँ पीहू के पापा भी बोल रहे थे, और मैं सच में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। पीहू के पापा ने बोला कि इतने स्वाद बने हैं ना भटूरे, तो इतने सॉफ्ट सॉफ्ट और इतने टेस्टी बने थे ना कि बाज़ार के भटूरे तो फेल ही हो गए थे। सच में यार काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मुझे घर का जो बना हुआ खाना होता है ना वो सच में स्वाद बहुत लगता है। भटूरी 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 भटूरी, भटूरी आ रही है। पीहूरियान जल्दी बता दो कैसा बना है। बहुत बढ़िया बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है, इससे भी अच्छा है। किससे अच्छा है, किससे? वो पानी से। तो देखा आपने, रियांश कह रहा है पानी से भी ज़्यादा स्वाद बने, वो कुछ भी बोल देता है। और यहाँ पे देख रहे हो कितने फूले फूले भटूरे बने हैं, और अंदर से ये इतने सॉफ्ट, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा हम जब भी बाहर का भटूरा खाते हैं वो ना चबाए नहीं चबता, मतलब उसको चबाते रहो वो चबता नहीं है, यानी कि वो रबड़ सा लगता है। बट ये जो घर का भटूरा होता है ना, सच में ये एक तो खाया जाता है और बिल्कुल सॉफ्ट लगता है, जस्ट लाइक रोटी टाइप लगते हैं ना, आप रोटी आराम से खा सकते हो उस तरीके से। और मैं मिलाती भी मैदा आटा सूजी सब मिलाती हूँ। अच्छा दोपहर का लंच करके ना, बर्तन वगैरह क्लीन करके, किचन को डीप क्लीन करके मैं आ गई थी मंदिर। चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मंदिर के। और यहाँ पे हम लोगों ने डेकोरेशन का सामान लिया था, तो मैं वही रिकॉर्ड कर रही थी। सच बताऊँ तो देखो भूल ही जाती हूँ रिकॉर्ड करना। और मैक्रोनी ली थी क्योंकि कल मैं मैक्रोनी बनाऊँगी बच्चों के लिए, सॉरी पास्ता बनाऊंगी, मैक्रोनी नहीं। और कुछ डिस्पोजल भी ले लिए थे क्योंकि कल पता ही है ज़रूरत पड़ने वाली है काफ़ी ज़्यादा सामान की, तो बहुत सारा डिस्पोजल भी लिया था। और पीहू के लिए कुछ ऐसे ही सामान सा ले लिया था, और प्यारे लड्डू गोपाल जी के लिए दो नाइट सूट लिए थे। एक तो ये वाला लिया था, ये तो टी शर्ट यानी कि ऊपर का टी शर्ट और निक्कर है, ये वाला तो अलग है। जो मैंने दूसरे वाला लिया है ना, वो मैंने मतलब दुकानदार ने बताया कि ना ये ना बनियान और निक्कर, यानी कि जो गर्मियों में हम लोग बच्चों को नहीं पहनाते सैंडो टाइप का, सैंडो और निक्कर, वो लिया था। यार ये लिपस्टिक का शेड मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने ले लिया था, अभी मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी। पीहू के लिए कुछ स्क्रंची ले आई थी, स्कूल के लिए ब्लैक वाली थी, बाकी ये वाली जो मैं लाई थी ना ये पीहू को काफ़ी पसंद भी आई। सच में मैंने तो ऐसे ही ले ली थी,
और उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आप लोग बताना स्क्रंची कैसी लग रही है। चलिए ये वाली स्क्रंची रख दी थी मैंने, और मैंने सोचा चलो यार, अच्छा क्रेविंग नहीं हो जाती हम कुछ लेकर आते हैं तो उसको लगा के देखे वो कैसा लग रहा है। सच में यार ये शेड काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। एक तो ये न्यूड शेड था ना, तो काफ़ी देखो मैं पीयू से पूछ जा रही हूँ, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। देखो मैंने हाथ पे भी लगा रखा है, और ये वाला शेड आप लोग बताना आपको कैसा लगा। अच्छा मैं फिर उठ गई थी और मैंने सोचा चलो यार ये ना सारा सामान है ना मैं ना लगा देती हूँ। फिर मेरे को याद आया नहीं यार अभी नहीं, अभी ना मैं यहीं पे रखे रहने देती हूँ सामान को, और बाद में एडजस्ट करके लगाऊंगी। और यहाँ पे मेरे को आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनानी थी ना, तो मैंने सोयाबीन भी लेकर आई थी, तो वो मैंने निकाल के पीयू को दे दी थी, और पास्ता उसमें से रख दिया है। यहाँ पे मैंने धनिया लाए थे ना हम लोग, तो धनिया साफ़ कर दिया था, और मुझे चटनी बनानी थी तो धनिया चटनी का अलग निकाल दिया था और धनियों को रख दिया था अलग जो बाकी का बचा था। इसके बाद आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, यानी कि रात के डिनर की तैयारियां चल रही है। तो ये ना मैं जब आलू सोयाबीन की सब्ज़ी पहले बनाती थी तो मैं प्याज टमाटर का पेस्ट बनाती थी, फिर अच्छी नहीं बनती थी, मतलब मुझे अच्छी ही नहीं लगती थी। और पीयू के पापा ने भी बोला कि जब हम आलू की कोई सब्ज़ी बनाते हैं ना तो उसमें प्याज का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो बस इसीलिए मैंने ना तरी वाली सब्ज़ी, तो हमेशा ही अब मैं आलू का जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो मैं टमाटर का पेस्ट डालती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना प्याज छोड़कर वही टमाटर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। अच्छा चलिए यहाँ पे है ना जो आलू सोयाबीन की सब्ज़ी थी वो मैंने छोक के साइड में रख दी थी, और नमकीन पुलाव भी मैंने बनाने की तैयारी कर दी थी। यहाँ पे नमकीन पुलाव के लिए मैंने ऑयल लिया था, उसमें मैंने जीरा डाला था, जीरे के साथ मैंने प्याज भूनने के लिए रख दी थी। इतने प्याज भून रही थी ना तो मैंने जो मटका है ना आज खाली कर दिया था, यानी पी के मैंने अभी तक भरा नहीं था, नहीं तो मैं साथ के साथ भरती रहती हूँ। फिर मैंने सोचा मैं ना मटका भी आज धो ही देती हूँ। देखो यहाँ पे इस तरीके से काम को मैनेज करती हूँ मैं। यहाँ पे प्याज भून रही थी तो प्याज भूनते भूनते अब मैं खड़ी रहूँगी तो फिर मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो बस यहाँ पे मटका मैंने धो दिया था। फिर पानी चला के आई ना, प्याज भी और प्याज आलू भून गए थे। फिर मैंने इसमें बेसिक स्पाइसेस मिलाए, नमक हल्दी मिर्च, और उसके बाद मैंने चावल डाल दिए थे। इतने में ना जैसे मैं ये वाला प्रोसेस कर रही थी इतने में मेरा मटका भरने वाला था, यहाँ पे मेरे को इतनी जल्दी जल्दी हो रही थी ना, फटाफट मैंने यहाँ पे कुकर का लिड लगाया और बस उसके बाद यहाँ पे मटका भर गया था। और मेरा मटका बताना यार कैसा लग रहा है, कितना क्यूट है ना, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और मटका इतना भारी हो गया था पानी से तो मेरे से उठाया नहीं उठ रहा था, फिर भी मैंने उठा के ना डाल रख दिया था इसके ऊपर, और इसका जो ढक्कन है वो भी धो दिया था। तो मटका मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर, धो देती हूँ यार। फिर मैंने आटा गूंदा क्योंकि भाई रोटियाँ तो बनेगी यार, ये बड़ा चक्कर है, पहले चावल बनाओ फिर रोटी बनाओ, बड़ा ही वो है। चलिए और यहाँ पे धनिया की भी तैयारी कर दी थी, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई ना, सच बता रही पहले ना मुझे पसीने नहीं आते थे बिल्कुल भी, मतलब कि समझ जाओ कि मेरे को बहुत कम पसीने आते हैं, लेकिन अगर मुझे पसीने आ रहे हैं ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, बहुत ज़्यादा। चलिए यहाँ पे दिखा रही थी यार मैं कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। यहाँ पे है ना गर्मा गर्म फुलके भी मैंने सेक के रख दिए हैं, और जो खाना है ना वो बनकर तैयार हो गया था। अच्छा मैं ये सारा काम करने के बाद ना किचन भी क्लीन कर दी थी, क्योंकि फिर ना मेरे को नहाना था शाम का, अगर मैं नहाऊँ नहीं ना, अब देखो एक डेढ़ दो घंटे किचन में काम करने के बाद अगर आप नहाओ ना, बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग, फिर कपड़े भी मेरे को मतलब चेंज तो करने ही होते हैं, रात का नाइट सूट वगैरह, तो मेरे को गुस्सा आता है। और आज देखो यार चटनी बनाते बनाते ना रिकॉर्डिंग मैंने बंद कर दी थी और सारी चटनी निकल गई। मेरे साथ ना होता है, मैंने सोचा इसमें ना अच्छे से पीस जाएगी तो मैं इसमें पीस लेती हूँ, और सारी चटनी एकदम ऐसे उछल के आई और सारा किचन गंदा हो गया था, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। देखो अभी तो मैंने कल ही किचन साफ़ करी थी, और कुछ ना कुछ है ना ये होता ही रहता है मेरे साथ। तो चलिए डिनर है ना यहाँ पे बनकर तैयार हो गया था, उसके बाद मैंने किचन में झाड़ू भी लगा दी थी। मैं किचन में ना मतलब क्लीन करके ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि एक तो फिर सुबह सुबह आओ और आपकी किचन गंदी हो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। जो चलिए यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा दिया है, और यही मैं आपको दिखाना चाहती थी कि पूरा दिन काम करने मैं के बाद आई हूँ और अब आया है मुझे चैन। सच में इतनी गर्मी हो रही है ना मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ पे सैलेड कट कर लिया और मैं सैलेड खाई जा रही हूँ। ओ माय गॉड ऐसी रेड हो जाऊँ मैं भी, ऐसे कहते हैं इनको रेड 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 हो जाता है लगा के ना, ऐसे चिक चिक हो गए, ज़्यादा रेड हो गया।
लग रहा है, लग रहा है क्यों? हाँ इधर लगाओ, ये देख तो लग रहा होगा हल्का हल्का यार। वैसे वैसे खाने से क्या फायदा, इसको लगा ही लो। नहीं यार दूसरा खा लेते हैं, खा ना। देखा आपने, मैं ना कुछ भी करती हूँ, मतलब कुछ भी, मतलब बताओ, बीट रूट लगाने लगी, यानी कि चुकंदर में गाल पे लगा के देख रही हूँ कि मेरे नेचुरली ब्लश हो जाएंगे। चलिए छोड़िए, यहाँ पे ना अब ये वाला जो सारा सामान था, बैलून थे, स्काई शॉर्ट था, यानी कि स्काई शॉर्ट नहीं सॉरी शॉर्ट्स, मतलब यार वो वाला जो बर्थडे के टाइम क्या कहते हैं यार, आपको समझ जाओ। यहाँ पे मैक्रोनी थी और कुछ मसाले थे, पास्ता मसाला था, और ये नींबू पानी भी मैं लेकर आई थी, कस्तूरी मेथी भी मैं लेकर आई थी, मैदा लेकर आई थी क्योंकि कल नान बनेंगे। देखो आपको बता दिया ना, कल बताऊंगी यार मैं क्या क्या बनेगा। और तो जो भी सारा सामान था ना वो मैंने अरेंज करके रख दिया था, यानी कि जो बर्थडे डेकोरेशन का सामान था ना वो अलग पॉलिथीन में रैप कर दिया था, और जो सारा डिस्पोजल था वो मैंने अलग रख दिया था यहाँ पे। अब खरबूजा भी काटूंगी क्योंकि मैंने देखो खरबूजा काटने के लिए निकाला था लेकिन मैं काट नहीं पाई थी, पता नहीं यार क्या हो जाता है, मैं भूल ही जाती हूँ। चलिए यहाँ पे कल की देख लिए कैसे तैयारियाँ चल रही है, मेरी बेटी प्रिंसेस, मेरी प्यारी गुड़िया का बर्थडे है, और मैं सच बताऊँ ना मैं तो बोर हो गई हूँ, मतलब मन नहीं करता मेरा, बट वही है ना बच्चों का तो मन करता है, बच्चों का जो दिल होता है ना वो बहुत ज़्यादा चंचल होता है। चलिए यहाँ पे मैं क्या बातें करने लगी, यहाँ पे ये कल पीहू जो पिंक वाले पेन है ये तो मैम को देगी, और जो ये वाले पेन है ये डब्बे वाले ये बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और एक एक चॉकलेट। और यहाँ पे देखो यार मेरे को शेजवान चटनी चाहिए थी वो भी ले आए थे, और सारी कोल्ड ड्रिंक भी आ गई थी। तो कल की तैयारियाँ चल रही है वही मैंने आपको जो बताया था सारी। चलिए यहाँ पे रात के डिनर की तैयारी भी कर लेते हैं, टेस्टी टेस्टी डिनर। तो यहाँ पे थी आलू सोयाबीन की सब्जी, चावल के साथ दही, खाने में मज़ा ही अलग है, तो दही थी। यहाँ पे सैलेड था और खरबूजा मैंने काटा था, याद आ गया, और खरबूजा था, और चटपटी चटनी थी। और आज ना चटनी मैंने आंबी डालकर बनाई थी, यानी कि कच्ची आंबी, तो चटनी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। कैसी लगी आपको ये वाली थाली, टेस्टी टेस्टी? और ये देखो अभी तो मैंने खरबूजा काटा था, और यहाँ पे मम्मी कह रही थी कि ये फ्रूट लेके आई हूँ ये तू रख ले। मैंने कहा आप इतने सारे फ्रूट क्यों ले आई? कह रही कल के नाम के लेके आई हूँ। मैंने कहा कल? कह रही पीहू का बर्थडे है ना कल, मैं आऊँगी तो फ्रूट लेकर आती, तो पहले ही दे गई। मैंने कहा मम्मी मेरे फ्रिज में खुद जगह नहीं है, आप मेरे को पहले ही दे गई हो। क्योंकि मम्मी को पता नहीं था ना मेरे फ्रिज का जो जो सेक्शन था वो टूट गया था, तो फिर मैंने कुछ ही नहीं कहा, मैंने फिर एडजस्ट कर दिया था सामान। और यहाँ पे हरी मिर्च लेकर, काफ़ी सारा सब्जियाँ भी लेकर आए थे पीहू के पापा, वो सब्जियाँ मैंने साफ़ करके रख दी थी, धनिया तो आपने पहले ही देख लिया था, और हरी मिर्च भी मैंने साफ़ कर दी थी। यहाँ पे पीहू के पापा ब्रेड लेकर आए हैं क्योंकि पीहू को मैंने ऑप्शन दिए थे, तो उसने मुझे बताया कि मुझे हम लेके सैंडविच लेके जाऊँगी मैं, वो भी पिज़्ज़ा सैंडविच, तो उसकी ब्रेड पीहू के पापा ले आए थे। और सुबह से सामान आए ही जा रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे मैकरोनी वगैरह जो मैं सामान लेके आई थी वो, चलो यार मैं ना सोने जा रही हूँ यार, मैं बता रही हूँ ना व्लॉग ख़त्म ही नहीं होएगा अगर मैं ख़त्म ना करूँ। चलिए यहाँ पे है ना प्यारे लड्डू गोपाल जी का, ये तो देख लीजिए निक्कर और बनियान कितना प्यारा लग रहा था, सच में गर्मी बहुत हो रही है ना, तो लड्डू गोपाल जी के लिए कॉटन के कपड़े मैं लेके आई हूँ, और प्यारे लड्डू गोपाल जी को नाइट सूट पहनाया और सुला दिया था। इसके बाद हम लोग आ गए थे अंदर। ओए होए होए, पीहू का बर्थडे सेलिब्रेट तो करना बनता है। गधेड़े दे तो दे उसको, आप ड्रामा क्वीन हो ना, ड्रामा क्वीन हो ना आप, रियांश कौन है ये ड्रामा? ये छोटा सा सेलिब्रेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। व्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल के व्लॉग में। राधे राधे।